morning everyone, how are you all? Welcome back to Chat Pahan Vlogs. I'm your Dhanis Van Dagir and I hope you all are doing well. Hi guys, I'm your host and dost Manish Pahari Pahari and aap dekh rahe hain mera vlog. Bye. Bye. See you. ओके से न्यू मॉर्निंग न्यू डे. सुबह के बज रहे हैं 9:30. भाई गया ऑफिस, मम्मी पापा सोना घर पे ही हैं. ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग ने यहीं स्टे किया था. निपुण सुबह निकल गए थे 6 बजे, उनको कुछ काम था, और यहाँ मैं हूँ. और अभी मैं भी निकल जाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक छोटे से काम है, 2-3 वो निपटाऊंगी जो मैं यूजुअली यहीं से करवाती हूँ. जैसे कि मेरा पार्लर है, तो पार्लर मैं जाऊंगी. मैं डे 1 से लाइक यहीं से करवाती थी, तो मैं अब जब सैटरडे संडे मेरा आना होता ही है तो मैं यहीं से करवा लेती हूँ. तो यहाँ से मुझे आज पार्लर का करवाना है, बेसिकली आज है सेल्फ डे. सो अभी चलो करते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है. चलो बाय गाइस. मम्मी ने मुझसे इतनी महंगी चीज़ मांगी है ना, बताओ मैं कैसे पिलाऊंगी. कोकोनट वाटर ठीक है, कोकोनट वाटर इनको पीना है. क्यों, उससे क्या होता है बता दो ना, सबको बता दो. मुझे तो प्यास लग रही है. प्यास नहीं लग रही गाइस, ये स्किन की. भैया कोकोनट वाटर भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. सब यार मैं मम्मी के थोड़े से काम के लिए पोस्ट ऑफिस आई हूँ, तो उसमें देखते हैं काम कंप्लीट करते हैं. अब मम्मी बार्गेनिंग करेगी. चलो पानी और मलाई दोनों. आपको पहली बार किसी ने बोला है वही रेट है और उसी रेट में सब कुछ मिलेगा. इन्होंने आज तक बिना बार्गेनिंग करे कोई चीज़ नहीं ली है. अब उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया ना, तो मम्मी उनसे बात कर करके 10 रुपए तो वसूल लेंगी, है ना मम्मी. नहीं वो कह रहे कि वहाँ से नहीं आता ना, कश्मीर से आ गया लोग. कश्मीर में नारियल कह रहे थे वहाँ से नहीं आता. कूल मदर ऑफ द डे आप ही हो ना. पहले थी मेरी गाड़ी की चाबी. क्या कश्मीर का नारियल? नहीं वही वाला इंग्लिश वाला बोल दो ना प्लीज, बड़ा मजा आया. एक बार मेरी मम्मी ने बोला दिस इज अ कश्मीर वाला नारियल. निपुण और मम्मी की इंग्लिश जब ये भिड़ते हैं ना दोनों, इतने एक ही स्कूल में पढ़े. पिएंगे कैसे? कश्मीर के नारियल का कैसे? किसका? कश्मीर के नारियल का. बोलो कहाँ ले जाके बोलोगे. एक्चुअली में क्या ना, उसने ना पैसे कम नहीं किए. अब पैसे कम नहीं किए तो बड़ा सी नहीं थी तो कहीं तो निकालनी है. तो उसने बोला कि नहीं मैडम ये नारियल ना वहाँ से नहीं आता. तो ये है कश्मीर का नारियल जिसकी भी टेस्टी अलग है. और ये है 170 रुपए का, कश्मीर का है ना, इसीलिए बच्चों को तो खिलाना चाहिए ना. हम क्या घूमते हैं. अब मुद्दा ये है कि मलाई 26-27 साल खिला दिया, अभी हमें नहीं खिला सकते. बिल्कुल भैया. बाय मम्मी. सो मैंने कर दिया बाय, तो करो आराम से आराम से. अच्छा मैंने मम्मी को कर दिया है ड्रॉप उनकी क्लास के लिए, और अब मैं चलती हूँ पार्लर क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अभी पार्लर जाएंगे, फिर पार्लर का काम करवा लेंगे ठीक है. एंड उसके बाद घर जाने की तैयारी करेंगे, शॉप पे भी एक बार मैं होऊंगी. सो चलो चलते हैं. यार आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ ना कभी कभी, मेरे को खुद समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रही हूँ और मैं करना चाहती क्या हूँ. देखो अभी तो मुझे पार्लर जाना है ठीक है, तो पार्लर से मैं अपना ये काम करवा लूँगी सारा. एंड उसके बाद एक मैंने आपको बताया था ना कि मैं जो पेट शॉप है वो एक अलग काम है, उसके अलावा भी एक काम है. जब वो आता है ना तो मेरे लिए सारी चीज़ ना एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. क्लाइंट ये नहीं समझता कि इसके पास ऑलरेडी कोई काम होगा, इसका भी घर होगा, इसके पास भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. बट क्लाइंट से लाइक कि अभी चाहिए तो अभी चाहिए, अभी करके दो. मेरे को गाड़ी लिटरली रास्ते में रोक के भी काम पहले करना पड़ता है. अब मैं ये सोच रही हूँ मैं पार्लर जाऊँ, पार्लर में जब तक पेडिक्योर हो ना तब तक ना मैं ब्लॉग एडिट करूँ. मतलब आप लोग सोच लो कि क्या चल रहा है, मतलब दुनिया घूम रही है और मेरा साथ साथ दिमाग भी घूम रहा है इस चीज़ में. पर चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा. सो अभी फटाफट से मैं अपना काम फिनिश करवाती हूँ. देखो वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आई होप आप लोग को ये डेली ब्लॉगिंग जो है वो पसंद आ रही हो, बस ये बताना था मुझे. अच्छा देखना मैं ना बहुत टाइम से इन लोग को जानती हूँ, तो पार्लर वाली जो दीदी है ना वो मेरा व्लॉग्स भी देखती है, तो बता क्या बोलती है, हमें तो तू कभी नहीं लेती व्लॉग में. अभी मैं ना इन लोग को व्लॉग में लूँगी, देखना आप. हेलो नमस्ते आंटी, है दीदी ठीक है. हाय हेलो. अच्छी हूँ, उस दिन बोल रही थी ना ब्लॉग में नहीं लेती, मैंने कहा चला आज आपको ब्लॉग में लूँगी. क्या बोल रही हो बताओ. पहले बताया नहीं है ऐसी. गाइस इनका नाम बता क्या है, हिटलर दीदी.
ये मुझे डांटती रहती है, मैं जब भी आती हूँ ये डांटने वाले काम करेंगे तो डांट पड़ेगी है ना। अच्छा मतलब मैं आपको बताऊँ, पहले स्क्रिप्ट लिखूं फिर पूजा दीदी बोलेंगी। अच्छा मैं नहीं खेल रही ऐसे। चलो अभी मैं आपको एक और से मिलवाती हूँ, इतनी खुशी होके आएंगी ना ऊपर। हाय ये देखो मैं आ गई, जल्दी जल्दी इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एक बार इनको देखो ये बाल खोल के आई है। आप लोग आई होप अच्छे होंगे सब, ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है और जल्दी जल्दी इनको फॉलो करो लाइक करो और जल्दी जल्दी इनके इतना तगड़ा प्रमोशन तो मेरा किसी ने नहीं करा चालू थी। जल्दी जल्दी बहुत अच्छी है, सो क्यूट। मैंने कुछ भी तारीफ दिख रही है ये खुद बोल रही है। नहीं ये बहुत अच्छी है और अरे बहुत एंटरटेनमेंट करती है, जब आती है पूरे पार्लर में हल्ला करती है। मैं भी इनकी तरह हूँ, मैं भी ऐसी बोलती रहती हूँ, मेरा भी दिमाग खराब है इसका भी दिमाग। हम दोनों पागल है और क्षमा दीजिए हमें देख के गुस्सा करती रहती है। ये हमें डांटती है, ये हिटलर है ना, ये हमें डांटती है, हिटलर है, हिटलर प्रेम में आओ प्रेम में। हाँ ये पता है क्या है, क्या है, लेडी डॉन, लेडी डॉन है ये, लेडी डॉन है। हर कहीं इनकी ऐसी है तो इनको डांट तो पड़ेगी। मेरे को क्यों भाई इनको, नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे इसको इसको इसकी तो बहुत डबल है क्योंकि हरकत मेरी सिर्फ ये है गाइस कि मैं बहुत ज्यादा लेट आती हूँ और लेट आके बोलती हूँ मेरा काम कर दो, काम कर दो फटाफट और जल्दी कर दो, और जल्दी कर दो मेरा काम, जल्दी कर दो जल्दी फटाफट। एक बार बताओ शमानी मैं लेट कितनी हो रही होती हूँ, कितना काम, बहुत लेट होती है और फिर भी आती है, टाइम निकालती है हमारे लिए और हमारे साथ थोड़ा सा टाइम से स्पेंड करती है। यार कैसा दिन है आज का, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो क्या हुआ है, टायर पंचर हो गया वो भी इतनी बुरी तरीके से गाड़ी का, वो तो चलो पता लग गया यार ये पंचर नहीं हुआ है ये तो कट गया है टायर, ये हुआ क्या है इसको। मैंने मम्मी को बुलाया हेल्प के लिए, यार ये फट गया है टायर यार, आज तो लग रहा है थोड़ा सा परेशानी वाला ही दिन हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा ये, मतलब एक मैंने नहीं चलाया ही नहीं, नहीं नहीं कल से क्यों चलेगा, नहीं इतनी दूर तो चलाया ही नहीं है, बस ये लेके ही आए थे इसको, मतलब ये यही हुआ है शॉप के बाहर पंचर हुआ है, कहीं नहीं पड़ता था। मैं वही सोचूं शॉप के यहाँ से यहाँ तक लाने में कैसे फट गया, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया देखना, बिल्कुल ही चला गया टायर। चलो कोई नहीं अभी हम लोग यहाँ तो पहुँच ही गए हैं पंचर वाली शॉप में, मम्मी को बुला ही लिया था। इसके अंदर वो नहीं होता जो एक टायर में क्या होता है वो ट्यूबलेस, ट्यूबलेस है ना, अच्छा इसके अंदर वो नहीं होता, ट्यूब नहीं होता। गाइस टायर की तो बहुत बुरी हालत हो गई और भैया ने अभी ये बताया कि ये पंचर नहीं हुआ है, मैं वही सोचती कभी पंचर होता ना मेरे को एकदम से पता लग जाता है, ये पंचर नहीं हुआ है ये ठोकर लगी है, पत्थर लगा है और जस्ट मार्केट से मैं 5 मिनट की दूरी पे आई और ये ऐसे लगा है, दिखाना मम्मी दबाना इसे, बहुत बुरा टूट गया है तो नुकसान हो गया, भैया इसको सिल दे यार मम्मी आपको यार इसको सिल नहीं सकते, रीजन बता दो भैया इन्हें ये सिल सकते हैं ये नहीं। मेरी मम्मी की सबसे अच्छी बात बताऊं, कोई टेंशन वाला टाइम होता है ना वो उसको ऐसे ही हंस के निकालती हूँ, टेंशन लेने से वो चीज़ ठीक नहीं हो जाएगी, नुकसान वो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप इतने परेशान हो जाओगे तो आप आगे की आने वाली चीज़ ख़राब कर दोगे, तो मेरी मम्मी ने तो यही सिखाया चिल करो और मतलब उस चीज़ को सॉल्व करो, अब इसको आप सिल के सॉल्व करोगी, इधर दिखाओ फिर हम सिल दें, इसको सिल दें, अच्छा और टेप लगा दें ऊपर से, अच्छा ठीक है भैया आज से यही करना आप हैं। हाँ इतना खराब 10,000 रुपये का तो नुकसान हो ही गया, ये नहीं मम्मी सेकंड हैंड टायर नहीं आते मुझे नहीं पता, अब तो निपुणी सोल्यूशन बताएंगे इसका, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा है, मतलब लगभग 10,000 रुपये का नुकसान तो शायद हो ही गया होगा यार, पता नहीं देखते हैं क्या होगा। आपने ना क्या बोलते हैं इनको, तुम यूट्यूबर बोलते हो ना, इनको बोलो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ये सर फिर को पैसा मेरे घर वाले ना यहाँ के लोग नहीं है, कहीं और से आए किसी और दुनिया से। चलो अभी मैंने टायर फिक्स तो करवा लिया है भैया जी से, पर कोई नहीं हो जाएगा ठीक, कोई टेंशन नहीं है, है ना भैया आराम से चलाओ गाड़ी, आपका भी टायर वही सोच रही हूँ। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब ये सब लग जाए और सॉल्व हो जाए, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है।
ओके फाइनली मैं निकल गई हूँ घर जाने के लिए और शाम के बज रहे हैं 5:30। ठीक है यार, मैं ना अभी एक चीज से इतनी ज्यादा परेशान हूँ ना, मैं एक प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ। कल बेसिकली हमारा शूट है, निपुणा मेरा शूट है और यार ये हमारे काम का ही एक पार्ट है, तो वो एक छोटा सा प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं बोल सकती, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन वो मैं ढूंढ रही हूँ। इतनी बड़ी मार्केट है मेहचन मार्केट और खन्ना मार्केट, ठीक है, वहां पे वो प्रोडक्ट नहीं मिला मुझे ढूंढते ढूंढते, मतलब लिटरली चांद और मैंने, चांद यू नो जो हमारे शॉप पे काम करता है, हम दोनों ने ना पर्टिकुलर एक एक शॉप पे जाके पूछा है कि भैया ये वाले प्रोडक्ट है, ये देखो ये वाला है, ये है कि नहीं, सबने मना करा, बोला ये डिसकंटिन्यू है या फिर ये ऐसा है वैसा है, मतलब उन्होंने कोई ना कोई रीजन दिया, बोला कि ये है ही नहीं, पूरी मार्केट में आप ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगा, इवन INA मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कल ये शूट कंडक्ट करना ही करना है किसी भी हालत में। सो फिर मैंने मम्मी को भी बोला कि मैंने कहा मम्मी आप प्लीज़ एक बार पटेल नगर भी चेक करना कि अगर आपको वहाँ मिल जाए तो वहाँ से प्रोडक्ट हम जैसे तैसे कल रिसीव कर लेंगे, वरना अगर कल ये शूट नहीं हुआ तो मतलब कैंसिल ही हो जाएगा। उसके बाद ये सारी हालत खराब हो रही थी, मैंने ना शॉप वाले भैया को ये भी बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ मेरा कल शूट है, आप थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी आप। उन्होंने कहा चलो मैं आपके लिए अरेंज करके देखता हूँ, लेकिन आप जाते हुए ना जहाँ भी आपको रिलायंस मार्ट दिखे ना वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है मिलने की। तो नजफगढ़ में पड़ता है रिलायंस मार्ट, मैंने कहा चलो ये तो सही है, जाते हुए एक बार पूछ लूंगा, अगर मिल गया ना तो बस आप ये लगा लो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब कुछ ना चलता ही जा रहा है, और आज तो वैसे भी ये टायर वाला जो सीन हो गया ये फट ही गया वो टायर यार, खराब ही हो गया पूरा। और पापा को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, मेरे फादर इन लॉ को, कि पापा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है ये ऐसे ऐसे। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटे, कोई टेंशन नहीं है, तो स्टेप नहीं चेंज करवा ले और फिर घर आ जा, फिर घर आके देख लेंगे। निपुण को मैंने बताया नहीं है, वो बिजी थे तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, सो जब वो या तो फिर वो भी व्लॉग में ही देख लेंगे, बट चलो अब देखते हैं क्या होता है। अभी जल्दी से घर पहुंचती हूँ, वो प्रोडक्ट ढूंढते हुए मिल जाएगा तो अच्छी बात है। या देखो मैं ना नजफगढ़ पहुंचने वाली थी, उसे जस्ट 5 मिनट पहले मम्मी का फोन आया कि ना तेरा वो प्रोडक्ट का काम हो गया है, मिल गया है। मैंने कहा ओ भाई थैंक यू, अगर नहीं होता ना आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कल मुझे स्पेशली चांद को वहां से यहाँ बुलाना पड़ता, करवाना पड़ता, पहले अरेंज कराना पड़ता, बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता, पर चलो अब सॉर्टेड है। सो अभी अच्छा आज का व्लॉग है जो जो आज आपको अपलोड होगा व्लॉग, वो लेट आएगा क्योंकि मैं अभी जस्ट घर पहुंचूंगी, उसके बाद में वो व्लॉग अपलोड करूंगी, मुझे 1 घंटा तो चाहिए होगा ना उसका जो फाइनल एडिटिंग और ये सब करके। सो व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और अभी हम घर पहुंचेंगे और सिम्बा बेला से मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे और व्लॉग को करेंगे एंड घर पहुंच के, और फिर मम्मी को सारा बता रहा भी तो है कि आज इतना सारा झोलमोल हुआ वो हुआ कैसे है। सो ओके चलो मिलते हैं घर पहुंच के, बाय। हेलो अच्छा, ठीक है। रुको, गुड गर्ल।